मिटाई जी शायरी कुरान पाक जो तर्जुमो है। यो जुमलो असा वट 278 साल का मशहूर है। आज 14 सफर आए यानी जुमले के मिटाई के 278 साल मुकम्मल थी चुका है, यानी कि लगभग 3 सदियों। मां समझा तो इन्हीं जे करे ही छो तो मिटाई जडे सिंधी में मजहब के समझाए तो सिंधी में मजहब जी वाखाण करे तो तारीफ़ करे तो सोले तरीके से बयान करे बुधाए तो जडे सिंधी में ही असा मिटाई के समझे को सूँ ए मजहब के समझे को सूँ तो यकीनन असा बी बोली में मजहब के किए समझी सदा ए मजहब के गलत या न समझण जो सबब यो ही है तो असा पैंजी बोलन में बुजुर्गन ए सूफिन जो गाल बुधायल गाल सही तरीके से समझी ना ना सकिया मिटाई जो गाल मिटाई जो बुधायल सबक भी असा सही तरीके से समझी ना सकिया। अज हन दौर में जडे खलील जिब्रान के घणो तो पढ़ो वे या उनका अलावा पाउलो कोएलो को घणो तो पढ़ो वे उन्हीं अज इन्हीं दौर जहाँ नौजवान मिटाई के घट था पढ़न मिटाई की गाल में घट दिलचस्पी रखन था छो तो मिटाई की असल जी तशरी है वह ना थी सकी। मिटाई के सियासी हवा से बयान किया तो वे समाजी मुआशरती हर हवा से बयान किया तो पे वे पर मिटाई के उन्हीं हवा से बयान न तो पे वे जै हवा से मिटाई शायरी कई है, यानी कि जड़े मकसद से जड़ी नीयत से मिटाई शायरी कई है उन्हीं मकसद के समझाने के लिए को भी दिलचस्पी न तो रखे उन्हीं मकसद के समझने में भी को दिलचस्पी न तो रखे। मिटाई मुख्तलिफ़ मौजुअन से गलाय तो यानी कि मोहब्बत मुआशरो कौमप्रस्ती जाखोड़ पर उन सभी के अंदर मिटाई की खासियत है तो वह गड़ो गड़ हर शायरी में हर बेत में मजहब से गलाय तो यानी कि जे मिटाई अगर कौमप्रस्ती से गलाय तो उनमें भी मजहब से गलाय तो मिटाई अगर जाखोड़ से गलाय तो उनके अंदर भी मजहब से गलाय तो मिटाई अगर कें बे मौजू से गलाय तो उनके अंदर भी मजहब से गलाय तो मिटाई जो मकसद सिर्फ सिर्फ हकीकत के वाजे करना है, इश्क के वाजे करना है, मोहब्बत के वाजे करना है जेके नाला तसवुफ में मजहब के लिए इस्तेमाल यानी कि मोहब्बत इश्क तसवुफ के लिए इस्तेमाल मिटाई जो वो कमाल यो है तो मिटाई मजहब में मोहब्बत की बात करे तो चिटे तरीके से यानी कि मोहब्बत मजहब में बुधायल है वालदेन से मोहब्बत खुदा से मोहब्बत उनका अलावा दुनिया की हर एक शय से मोहब्बत पर मिटाई इश्क मजहब में मिजाजी इश्क की मिजाजी मोहब्बत की वाद करे तो ससी पुनू की वाद करे तो वह ससी जेका पैंजे मुड़स जे होंदे एक पुनू जे इश्क में मुबतला है उनकी वाखाण करे तो मां समझा तो अड़ो लिबरल शायर अड़ो लिबरल मुफक्किर अज की सदी अज के नौजवान लाए एक बेहतरीन लेखक है जैके पढ़ी सज तो इन्हीं अड़ो शायर या अड़ा लेखक 20 सदी में पैदा थे हों पर अज का 300 साल पे अड़ो को भी शायर ए लेखक न हो जो एक तरक्याती सोच से मोहब्बत के बयान करे बुधाए सोले तरीके से तो न सिर्फ ही रस्तो ना है ही भी रस्ता है इबादत से गड मोहब्बत जहाँ रस्ता भी जिथे मौलाना रूमी जो दर्जो है ओतरी तारीफ़ ओतरी वाखाण ससी जी भी करे तो पर अस मिटाई के मकसद के सिर्फ गाल महदूद कर छोड़ो है जो मिटाई चे तो अखर पढ़ अलिफ जो बया वर्क सब विसार अंदर तू उजार पना पढ़ंदे केतरा यानी कि एक अखर मन में पढ़ी रखो ए बया सब वर्क विसारे छो असल जो अंदर है उनके उजारो वरना पना तां केतरा पढ़ी केतरा पढ़ंदो खुदा जी परख खुदा जी गोला कयो खुदा जे बारे में गालूं करे केतरूं गालूं कंदो मजहब जी तबलीग कयो मजहब के फॉलो कयो मजहब जे बारे में गालूं करे केतरूं गालूं कंदो यो ही फर्क है मिटाई में बन 72 फिरकन में त बया 72 फिरका मजहब जे बारे में गालूं कन था छो तो उन्हें जो गालूं एक बे का मुख्तलिफ आन तदे उन्हें 72 फिरका ठाया पर मिटाई मजहब जे बारे में गालूं कोन तो करे दलील कोन तो दे हु मजहब के फॉलो करे तो वो हकीकी मजहब के इश्क के गाए तो गालूं केड़ी भी होजन किथे उस ससी जे बारे में गलाए तो किथे इबादत जे बारे में गलाए तो किथे जोग जे बारे में गलाए तो
किथे हू जाखोड़ के बारे में गलाये तो किथे सियासत किथे मुआशरत किथे कॉम्प्रस्त के बारे में गलाये तो पर हू गालन से वाबस्ता को चे तो एकड़ो अखर पढ़ो ए अंदर के साफ कर बया मू चवन था बया फ्रिका चवन था ना ही गाल फॉलो कर इन गाल अंदर में भरे छो पे अंदर के बस फकत ए फकत गाल भरे सको झट छो भिटे चे तो ना गाल कड़ी भी होजन तड़ो ही अखर पढ़े पे अंदर के साफ कर यानी कि ये इंसान की नफ्स की अना की एक खासियत ए जिबलत है छो जो अना एक सोच ई है माँ जी सोच हुजन जी सोच तो हू सोच हमेशा सोचिंदी रहे थी पो हू सोच मालिक जी सोच का भी आज़ाद थी वे यानी कि जैं जी अना है उन्हीं उनकी अना उन मालिक का बे जब्त का मालिक की जब्त का भी निकली थी वह मुसलसल सोचिंदी रहे थी जैसे वह मुसलसल डी रात सोचिंदी रहे थी उन्हीं सोच में तक जिक्र वो था अलिफ जो या हू जो जो भी सूफी जिक्र हैं तो वह सोच आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म थी थी वे उनमें एक जिक्र समाजी तो वे इन जैसे सब सोचू खत्म थी थी वन तो अंदर साफ तो थी वे यानी कि अंदर में मौजूद सब गाल जैसे निकली थी वन तो उन मालिक की खबर पे थी तो उनको हकीकी ए असली वजूद है जैसे वह गाल ओझो थे तो गाल आज़ाद थे तो भिटाई जो मकसद यो ही है तो बजाय दलील बजाय गाल बजाय वर्कन के पढ़जे सिर्फ एकड़ी अखर के पढ़जे ए गाल गौर न कज फकत मकसद से अंदर उजरण से हकीकत से गौर कज उन परोड़ कज परख कज वही मेहरबानी।